गाजीपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, इससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दोपहर 2 बजे तक गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। गाजीपुर में गंगा खतरे के निशान से महज चंद सेंटीमीटर दूर है। जिले में गंगा 62.720 मीटर पर बह रही है, जबकि 63.105 मीटर पर खतरे का निशान है। ऐसे में बाढ़ की आशंका से तटवर्ती इलाकों में लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। गंगा इन दिनों अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गंगा का पानी लगातार बढ़ते हुए तटवर्ती इलाकों में घुसना शुरू कर दिया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर में खेती योग्य ज़मीनें भी डूबना शुरू हो चुकी हैं। इसको लेकर किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। गाजीपुर में गंगा सबसे पहले सुवल रेवतीपुर इलाके के कई गाँवों में पहुँच जाती है। जमनिया क्षेत्र में बाढ़ ने अब तक 6 गाँवों सब्बलपुर कला, रघुनाथपुर, मत्सा, देवरिया, सब्बलपुर खुर्द, मेदनीचक के तटवर्ती खेत डूब चुके हैं, जबकि सेवराई तहसील के हसनपुरा, नगदीलपुर, विराऊपुर, नसीरपुर भी बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। सैदपुर क्षेत्र के गौरी, तोतारपुर, गौरहट, गोरखा, कुसही, खरौना, हथौड़ा, पटना, छपरा, मंझरिया आदि भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गंगा के बढ़ने की गति से किनारे बसे लोग की दुखदुखी बढ़ गई है। अगर इसी तरह से गंगा के बढ़ने का सिलसिला जारी रहा तो खतरे का निशान छूने में देर नहीं लगेगा। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।